Hello guys, my name is Vivek Abhas and my in-game name is ClutchGod and I'm from Team 8-Bit. स्क्रिम्स पे जो हम रेगुलर खेलते थे तो लाइक हर स्क्रिम पे एक ना एक बार 1v4 हो ही जाता था तो बस ऐसे ही राम रख लिया क्लच गॉड बट देन रिवेंज का स्क्वाड गब्बर को डाउन कर चुके हैं क्लच गॉड इज गोइंग क्लच गॉड राइट नाउ लेजेंड किल बहुत ज्यादा कम है लेजेंड जैसे स्पॉट होते हैं दिक्कत हो सकती है पूरे पूरे टीटी के स्क्वाड के लिए सामने से पूरा टीटी का स्क्वाड खा गए आरबीएनजी क्लच गॉड यू आर अ गॉड राइट नाउ सीरियसली के लिए रिप्रेजेंट करते हुए ओ वहां पर रेड स्पॉट हो चुके थे क्लच गॉड क्लच गॉड अपनी स्क्वाड के लिए मेरे ख्याल से अपना बेहतरीन परफॉर्मेंस दे रहा बट अबे कैरी को भी स्पॉट करा वैम्पायर इज गोइंग ओपी ओवर देयर बिकॉज़ क्लच गॉड भी स्पॉट स्क्वाड का गया अकेला क्लच गॉड अबे कैरी करके लेने और दैट डेस्परेशन जो आईएस दिखाई दे वहां के पास प्लेयर आ चुका क्लच गॉड टेक दैट थिंग एक और प्लेयर आई गेस यहां पर गेम लेकर जाती है आरबीएनजी फॉर द थर्ड टाइम फोकस का PMIT फाइनल्स देखा? Yes bro, कल देखा मैंने. लास्ट के मैचेस देखे मैंने. मजा ही आ गया. बहुत मजा आया. क्लच गॉड बहुत अच्छा खेला. हाँ. दो बार 1v3 किया उसने. बढ़िया प्लेयर है बहुत. देखा स्टोल ज्वाइन हो गया ना? हाँ मतलब PMCO के लिए ज्वाइन कर लिया. यहाँ पे स्काउट रश इन करते हुए सोल क्लच गॉड के ऊपर रेगल्टोस वहाँ पे लेने की कोशिश करेगा क्लच गॉड वर्सेस फनेटिक स्काउट स्काउट इज 10 एचपी एंड यहाँ पे फनेटिक 11वें नंबर पे आउट होते हुए क्लच गॉड कमिंग अप विद दैट किल एंड क्लच गॉड और जो किल्स डिपार्टमेंट में आज क्लच गॉड धुआं बना रहा है ट्रस्ट मी जस्ट प्रूविंग एवरीवन रॉन्ग कहां था कौन था 3 महीने पहले था बट आज ही इज मोस्ट हाईएस्ट रेटेड प्लेयर क्या परफॉर्मेंस है अल्टीमेट परफॉर्मेंस यहां पे पुश करते हुए और क्लच गॉड इसका काफी फायदा क्लच गॉड इस सिचुएशन में फायदा ही उठा रहे हैं अकेले दो बंदे को नॉक एक पूरा नॉक फिनिश कर चुका है इस पोजीशन में बहुत ही प्यारा क्लच कर पूरी आ चुकी है केओ को यहां पे बहुत संभल के रहना पड़ेगा और यहां पे पीछे से टीपीपी लेते एक नेड पॉप होता है यहां पे क्लच गॉड की तरफ ओ नहीं 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 नेड नहीं था और यहाँ पे बाहर पुश करके क्लच गॉड केओ को बाहर निकालते हुए अब बस 3 और प्लेयर से किया क्लच गॉड अपने टीम के लिए कमान संभालते हुए ब्रॉल डार्क nice कर लिया एंड बहुत ही प्यारा स्प्रे एंड यहाँ पे फिनिश करके अपने टीम के लिए एक और किल सिक्योर करने की उसकी पूरी कोशिश रहेगी एंड यहाँ पे 7 पॉइंट्स अपने टीम के लिए निकालते हुए और चौथे स्पॉट पे अपने टीम को ले जाते हुए but team quest so here they want to go for a wrap around but from the size clutch god cheeky plays gets out of zone knocks Ayala and because of that that's gonna burn out a little bit utility now what a play from Mystic that was amazing and so is this from clutch god as he wipes them out just takes down 3 team Queso going down like flies Circle. But he may go down as well he's going to sacrifice it he's still alive though just for moments to a players utte ye rega hai ya clutch god hai thoda pareshan hai but no you don't try you play like a warrior man yes, back to मेरा गेम स्टाइल है अग्रेसिव तो मेरे को लगता है कि अगर फाइट लेनी है तो लेनी है क्योंकि 4v4 निकालना है तो निकालना है वैसा है तो अगर टीम में चाहिए होगा तो चारों अग्रेसिव होने चाहिए उसके लिए क्योंकि अगर एक भी वीक पॉइंट होता है ना जैसे कि ग्लोबल फाइनल्स में हुआ वहाँ पर सारे प्लेयर्स अच्छे थे सबको अच्छे से खेला जाता था और सबकी सिनर्जी आती थी सो क्लच गॉड आने वाला हम लोग का प्लेयर मतलब एनटीटी में ज्वाइन करने वाला है वो उसको मारने वाला चाहिए था इनको भी नियो जोनाथन को भी मेरे दिमाग में था कि ऐसा एक बंदा दो जो आईजल का कैपेसिटी भी हो उसमें और मार भी अच्छा सकता तो ये मेरे दिमाग में था पे शॉट लेते हुए दिख रहे हैं और एनसी की पूरी स्क्वाड वाइप आउट कर दिया क्लच गॉड ने 5 किल्स ऑलरेडी हो चुके हैं तो भाई क्या खेलते हुए दिख रहे हैं क्लच गॉड हमें भाई इसीलिए हम फ्लैश तो अब जोन जैसा कि देख सकते हैं काफी सही बंदा और क्लच गॉड ने क्या ही MK14 स्प्रे के साथ यहां पे मिथ के प्लेयर को नॉकआउट कर दिया हमें क्लच गॉड MK14 4x चलाते हुए दिख रहा है जीटर साथ यहां पे क्लच गॉड ने दो प्लेयर को नॉकआउट कर दिया हमें कहा था कि लास्ट तक यहां पे क्या करते हैं कुछ कर पाएगा कि नहीं जिसका ये लास्ट प्लेयर
क्लच गॉड और गातक ने मिलकर पूरी की पूरी स्क्वाड वाइप आउट कर दिया। Aren't you just gonna take that? Or will you fucking fight back? Or will you fucking fight back? They're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn, you got what I'm saying? I'm not fucking playing, I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying, stop what you're making. Everybody here knows.